बीजेपी सांसद पर हमले के आरोप में कांग्रेस के किस बड़े नेता के नाम हुई एफआईआर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस में कितने बदमाश हुए अरेस्ट। सीएम योगी आज कहां करेंगे किसान संवाद और कहां मंदिर की संपत्ति के विवाद में पुजारी और तीन साधुओं पर हुआ जानलेवा हमला। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 प्रदेश विशेष। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमला किया गया। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर शाम तक लखनऊ वाराणसी हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत 77 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस में दो और बदमाशों उमंग और विनय को गिरफ्तार किया है। ये कल कोर्ट में वारदात के लिए दोनों हमलावरों को भगाने के लिए कार लेकर कोर्ट परिसर में खड़े थे, लेकिन उनके मारे जाने की खबर के बाद ये भाग गए थे। उमंग ने बताया कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के निर्देश पर ये वारदात में शामिल हुआ था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद पुलिस में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रैंक में बड़े ट्रांसफर्स किए गए हैं। 29 डीसीपी का तबादला किया गया है। रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को दिन दहाड़े जज के सामने करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। अदालत की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसका आयोजन बीजेपी किसान मोर्चा ने किया है। सीएम योगी इस दौरान किसानों से जुड़े कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, जिसमें गन्ने की कीमत बढ़ाने को लेकर ऐलान भी संभव है। कुछ दिनों पहले यूपी सरकार ने किसानों पर दर्ज पराली जलाने से संबंधित मामले वापस किए हैं। यूपी के नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने से गुर्जर समाज के लोग गुस्से में हैं। उन्होंने इसे अपने स्वाभिमान से जोड़ दिया और आज दादरी में महापंचायत बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मिहिर भोज कॉलेज में प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। दिल्ली एम्स में अब एक दिन में 50,000 ब्लड सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे और रिपोर्ट महज 2 से 3 घंटे के भीतर आ जाएगी। इसके लिए दिल्ली एम्स में खास लैब तैयार किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल इसका उद्घाटन किया। यूपी के बाराबंकी जिले में पुजारी और तीन साधुओं पर जानलेवा हमला किया गया। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देवीदास मंदिर की है, जहां कुछ दबंगों ने मंदिर की संपत्ति को लेकर पुजारी और साधुओं पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। युगराज में अब बदमाशों की अकल ठिकाने आने लगी है। सहारनपुर में एक गैंगस्टर थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपने गुनाह से तौबा करने की कसम खाने लगा। गैंगस्टर का मुलजिम हूं मैं, माही का रहने वाला हूं मैं। आज के बाद कोई गुनाह नहीं करने का, अपना कानून का बल्ले आज के बाद कोई अपराध नहीं करने का, मुझे पुलिस से बहुत डर है। हरियाणा के मेवात में बोरवेल की सफाई कर रहे चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसमें दो चचेरे भाई हैं। हादसे के बाद से नीमका सहित आसपास के इलाके में मातम का माहौल है। कल दोपहर को एक व्यक्ति बोरवेल के अंदर घुसा था। दम घुटने के कारण जब शोर मचाया तो तीन और लोग अंदर गए तो उनकी भी मौत हो गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।